टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, ईवीएस चौराहा, मेरठ। कोरोना काल के पूरे दो वर्ष बीत जाने के बाद अब्दुल्लापुर में शनिवार को मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। जुलूस में इमाम हुसैन का जुलजना और अलम बरामद हुए। जुलूस से पूर्व एक मजलिस अकबर अली के मकान पर हुई, मजलिस जिसको मौलाना मुजीब उल हसन ने पढ़ा। मजलिस के बाद जुलूस इमाम बारगाह कोर्ट से निकला, जिसमें सोगवारों ने नोहाखानी कर मातम पुरसी करी और इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। जुलूस इमाम बारगाह कोर्ट से शुरू होकर बुनियाद चौक होते हुए पंडित चौक होकर मोहल्ला गढ़ी से होकर वापस मोहल्ला कोर्ट में संपन्न हुआ। जुलूस में मुस्लिम नकवी ने कहा, हुसैन ने हिंदुस्तान जाने दे जुलूस में नोहा पढ़ा और मोहम्मद अब्बास ने भी नोहा खानी करी। वहीं पूरे जुलूस की सीसीटीवी कैमरों से पुलिस प्रशासन द्वारा निगरानी की गई। वहीं आपको बता दें कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब्दुल्लापुर के मुहर्रम का जुलूस बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। छोटे छोटे बच्चों ने इमाम हुसैन की शहादत को याद कर उनका शोक मनाया। मुहर्रम रजाकर कमेटी की तरफ से पुलिस प्रशासन का अली मेहंदी हसन पार्षद, शौकत अली, रजा अहमद सरफराज अली, फैजल हसन, हसन बहादुर मंसूर, शान अब्बास, जवान नादिर आमिर आदि लोगों का सहयोग रहा और सभी लोगों ने मुहर्रम के जुलूस को बड़े ही तरीके से कराए जाने पर पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत सहयोग भी किया और उनका धन्यवाद व्यक्त भी किया। जुलूस की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की नजर रही। जुलूस में 2 PSC कंपनी और करीब 10 से 12 थानों की फोर्स मौजूद रही और SP देहात केशव कुमार, SDM सदर सूरज पटेल, CO सदर पूनम सिरोही समेत पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बनी रहेगी हमारी हर खबर पर नजर। आप देखते रहिए पास बाई टीवी। नमस्कार।